जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और मकर संक्रांति आ रही है। तिल गुड़ और मुरमुरे के लड्डू तो बनते हैं। चलिए आज हम आपको एक ही तरह की गुड़ की चाशनी से तीन तरह की मिठाइयाँ बनाना सिखाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में सुपर टेस्टी। सब तो देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा आपके, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी यहाँ पर। इसके लिए मैंने 300 ग्राम के करीब तिल ले लिए, सफ़ेद तिल है, आप काले भी ले सकते हैं। और यहाँ 1/4 कप के करीब उसमें मूंगफली डाल देंगे। आप चाहे तो मूंगफली अलग से भी भून सकते हैं। जब तक ये भून रहे हैं हमें इसके गुड़ ले लेंगे। 300 ग्राम तिल है तो यहाँ पे आप 300 ग्राम गुड़ ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। मैंने यहाँ 200 ग्राम ही लिया। गुड़ थोड़ा सॉफ्ट था मेरे पास तो मैंने हाथ से ही उसे इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर लिया। अगर हार्ड हो तो आप इस तरह से चाकू से काट लीजिएगा। गुड़ आपको डार्क ब्राउन ही लेना है, लाइट जो भूरा वाला आता है ना वो मत लीजिएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता इतना। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और तिल को हमें बीच बीच में मूंग चलाते हैं। देखिए मूंगफली भी अच्छे से भून गई है, तिल भी अच्छे भून गए हैं। जब तिल चटकने लग जाए, अच्छे फूल जाए तो हमें गैस ऑफ कर देनी है, इन्हें थाली में निकाल कर ठंडा होने देना। तब तक हम अपने मुरमुरे भी भून लेंगे, जो परमल आते हैं ना वो। ये मैंने लगभग 3 कप के बराबर लिए हैं, इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है। इन्हें थोड़ा सेकना जरूरी है ताकि अच्छे क्रिस्पी हो जाए। बस जब तक ये भून रहे हैं हम यहाँ चाशनी ले लेंगे। कढ़ाई में अच्छे से घी लगा लेना है, फिर यहाँ 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे और जो हमने गुड़ रखा था ना साइड में वो डाल लेना है। और तो इस तरह से हमें चलाते हैं। इसकी जो गुठलियाँ बच जाने अगर कुछ, तो उसे इस तरह से हम बीच बीच में इसमें दबा दबा कर फोड़ लेना। इसी स्टेज पर फोड़ेंगे तो ईजिली फूट भी जाएगी। इस तरह से जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता हम इस तरह से चलाते रहें। जब ये मेल्ट हो जाए तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट टिप्स लीजिए। हमारे मुरमुरे भी अच्छे से तैयार हो गए, इस तरह से फोड़ के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर फिर भी ठंडे हो गए थे, मैंने मिक्सर में इन्हें पीस लिया है। दर बारीक नहीं करना है और इन्हें पीसते समय कंटिन्यू मिक्सर नहीं चलाना, रोक रोक कर पीसना है। इसलिए बहुत ही अच्छे लगेंगे, नहीं तो सब तेल निकल जाएगा कंटिन्यू चलाने पर। तो देखिए चाशनी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसे हम इस तरह से पानी में डालकर देख लेंगे और 5 सेकंड बाद की बॉल लिखा होगा चेक करेंगे। खींच के देख लीजिएगा, ज़्यादा सॉफ्ट दिखिए, इस तरह से सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब इसे अभी 2 मिनट और लगेंगे, थोड़ी देर और चला लेंगे 2 से 3 मिनट तक। आप इसे फिर से पानी में डालकर देख लीजिएगा, अगर इस तरह से खींचते हुए टूट रही है मतलब ये रेडी है। तो हम अपने रेडी किए हुए तिल डाल लेंगे। मैंने मूंगफली भी इसमें पूरी पीस ली थी, आप चाहे तो पूरी भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर दूँ ताकि तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका बिल्कुल आटे जैसा डो बन जाए। तो इसे हमें 2 मिनट तक इस तरह से मिक्स करेंगे कंटिन्यू। तो गर्म होने से क्या होगा, तिल भी थोड़े तेल छोड़ देंगे ना, तो अच्छे से बाइंड हो। चाकू से अच्छे से चम्मच भी साफ कर लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा लगे हुए तिल भी इसमें अच्छे से मिल जाए। देखिए इस तरह से हमें इसका आटा जैसा डो रेडी हो जाएगा। बस अब हमें गैस ऑफ कर देंगे। अब आप इसके लड्डू बनाने हो तो लड्डू बनाइए, या फिर इस स्टेज पर आप बर्फी बना रहे हो तो इसे तुरंत जमा दीजिए। मैं यहाँ इसकी गजक भी बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ रैपिंग पेपर होता है ना फूड वाला, वो या फिर बटर पेपर ले लेना, उस पर अच्छे से हमें घी लगा लेना है और इस पर कुछ वजन रख दीजिएगा ताकि ये इसे फोल्ड ना हो। फिर मैंने आधा मिक्सचर ले लिया है, बाकी का मैं लड्डू बनाऊँ। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है मैं गजक के लिए इस तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, इसमें ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट भी होगा और इसमें अच्छे तार बन जाएंगे और लेयर भी अच्छी, जिससे गजक खस्ता रहेगी हमारी। तब से जितना मिक्स करेंगे उतनी खस्ता आपकी गजक बनेगी। ये गर्म बहुत है तो ध्यान रखिएगा, पर ये गर्म गर्म में ही अच्छे से मिक्स होगा। साथ ही इस स्टेज पर ये प्रोसेस फॉलो करनी है आपको, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना। लीजिए ये भी ऑलमोस्ट हो गया। 2 से 3 मिनट बाद इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा जो साइड में घी लग गया ना इसको वहाँ लगा लेना है और इसका हमें रोल बनाना है, बेलना का शेप देना है। कि इस तरह से दबाते हुए हमें लंबा करता जाना है, इसे लंबाई में दबाते हुए गोल शेप देना है।
उसको इस तरह से रोल करते जाइएगा तो बहुत ही अच्छा शेप आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं, काजू बादाम या पिस्ता, तो इस तरह से बारीक काट कर इस स्टेज पर डाल दीजिए। इसे हमें पेपर पर अच्छे से बिछा लेना है और उस पर रोल हमें इस तरह से रोल करते जाना है। इससे क्या होगा, ये ड्राई फ्रूट भी चिपक जाएंगे। तो ध्यान से करिएगा, थोड़ा ठंडा हो गया है तो टूटने का इसका चांसेस। ध्यान से इस तरह से इसे हमें फोल्ड करते जाना है दबाते हुए, ताकि ड्राई फ्रूट अच्छे से लग जाए। इसके साइज को हमें अच्छे से रैप कर देना है और इसे अच्छे से पैक करके रख देना ताकि इसमें हवा ना लगे। फिर 5 मिनट हम साइड में रख देंगे। तब तक हमारा लड्डू का जो मिक्सचर है वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसमें हम लड्डू बना लेते हैं। अगर आप ज़्यादा गर्म गर्म में लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी इसके लड्डू बना, बस इसे थोड़ा दबा दबा कर बनाइएगा। तब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए बनाते हुए, तो इसे थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर सकते हैं, फिर से इसके लड्डू बना सकते हैं। जी हमारा रोल भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे हमें तेज़ धार वाले चाकू से इसको पकड़ पकड़ के काट लेना, साइड से पकड़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी बिखर जाती है क्योंकि ये बहुत ही खस्ता है। और अगर इस तरह से काटे में ज़्यादा टूट रही तो आप इसे गर्म गर्म में भी काट सकते हैं। लीजिए, रेडी है हमारी गजक रोल और लड्डू भी रेडी हो गए। अब हम अपने मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 कप के बराबर, 1 कप से थोड़ा सा कम, लगभग 150 ग्राम के करीब गुड़ ले लिया था। तो मुरमुरे का 1/3 पार्ट हमें गुड़ लेना है। और इसकी भी बिल्कुल वैसे ही चाशनी बनानी है जैसे हमने अपने लड्डू की बनाई थी। और इसके लिए मैंने कढ़ाई थोड़ी बड़ी ली है, क्योंकि मुरमुरे में थोड़ी सी बड़ा बर्तन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसको भी बिल्कुल इस तरह से पानी में डालकर हमें चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से जब टूटने लगे खींचते खींचते तो ये रेडी। अब इसमें अपने मुरमुरे या परमल जो भी आप बोलते हैं डाल लेंगे। इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है। ध्यान से मिलाएगा, मुरमुरे बाहर गिरने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने कहा आप इसलिए बड़ी कढ़ाई लीजिएगा। मेरे पास एल्यूमिनियम की ही थी तो मैंने यही ले ली। आप इसमें भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है कोई, बस इसमें आप कुछ कुक करें तो उसे इसमें रख के नहीं छोड़ना, तुरंत उसको खाली कर लेना। बस इस तरह से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेना 2 मिनट तक, ताकि गुड़ और मुरमुरे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गैस ऑफ कर दीजिए और हाथ पर ठंडा पानी लगाकर कढ़ाई में ही थोड़ा सा उसको गोल बनाते हुए हमें हाथ में ले लेना, क्योंकि ये गर्म है। मुरमुरे हमने ज़्यादा गर्म नहीं किए थे तो इतना गर्म भी नहीं है, इजीली इसके लड्डू बन जाएंगे। बस इसे हमें दबाना नहीं, ज़्यादा हल्के हाथों से दबाते हुए इसके लड्डू बना लेने हैं। ज़्यादा दबा देंगे ना तो फिर ये ज़्यादा हार्ड बनेंगे, बीच में गैप रहती है तो अच्छे खस्ता बनते हैं। हल्के हाथों से दबाते हुए हमें इस तरह से सारे लड्डू बना लेने हैं। और हाथ में बीच बीच में पानी लगाते रहेगा तो हाथ नहीं जलेंगे। 5 मिनट बाद इस तरह से लड्डू को हमें अलग अलग कर लेना, ताकि आपस में चिपके हुए हों तो निकल जाए। जी रेडी है हमारे मुरमुरे के लड्डू, और ये रही हमें टेस्टी सी गजक जो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी और खस्ता हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। देखिए बीच में अच्छी जाली पड़ी हुई है इसमें, और हाथ लगाते ही आपकी टूट भी जाएगी। हल्का सा तस खींचेंगे ना तो ये इस तरह से टूट जाएगी, अब मुँह में डालते ही ये बिखर जाएगी। लड्डू भी हमारे रेडी हो गए हैं अच्छे से। तो बस इस तरह से आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। एक ही तरह की गुड़ की चाशनी से ये 3 तरह की चीज़ें आप आराम से बना सकते हैं। तो इस मकर संक्रांति या फिर ठंड में इन्हें बनाकर जरूर खाइए। अब ये रहे मुरमुरों के लड्डू, ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। 4 से 5 घंटे बाद ये अच्छे ठंडे हो जाएंगे तो उतने ही खस्ता भी हो जाएंगे। ये मेरे तो ये फेवरेट है, पर कभी ट्राई नहीं किए थे, आज फर्स्ट टाइम ट्राई किए, बहुत ही अच्छे थे। मानिए बहुत ही आसान है इन्हें बनाना, तो आप जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो बस बनाइए और खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। आवाज़ आ रही है क्रंची क्रंची की, देखिए लड्डू बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।